गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 तक अलंकार गाकर और बजाकर सीखे थे। आज हम चौथा, पांचवा और छठा अलंकार गाकर और बजाकर सीखेंगे। पहले मैं इसे गाऊंगी और फिर जब मैं सिंथेसाइजर प्ले करूंगी उसके साथ आपको गाकर प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद आप बजाकर भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला अलंकार। फोर्थ वाले अलंकार में देखिए पहले क्या है, ये सा, सा से हम पहले रे पर जा रहे हैं, फिर रे से ग, अर्थात हम एक एक स्वर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस स्वर पर रुक रहे हैं वो वाला स्वर हम रिपीट कर रहे हैं। तो हम इसे इस तरह से बजाएंगे, पहले मैं गाऊंगी बजाऊंगी उसके बाद फिर जब मैं बजाऊंगी तब आपको उसके साथ गाकर प्रैक्टिस करना है। सा रे रे ग म इसे आप गाएंगे। इसे आपको दो फिंगर से ही बजाना है, एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से। म्यूज़िक में थंब को भी फिंगर ही कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें 2 फिंगर्स यूज़ होगी। अब हम 5th वाला अलंकार गाएंगे और फिर बजाएंगे। 5th वाले अलंकार में देखिए सा रे सा, अर्थात पहला वाला स्वर डबल रिपीट होता है। पहले हम सा लेंगे फिर रे लेंगे उसके बाद फिर से हम को सा लेना है। इसी तरह से रे ग रे ग म ग। अब लास्ट में देखिए यहाँ नीसा नी सा रे सा, ये तार सप्तक के, ये हायर ऑक्टेव के सा है। ये कहाँ पर बजते हैं, ये इस साइड बजेंगे और इनकी आवाज़ भी पतली होती है। तो हम इसे पहले गाएंगे और फिर बजाएंगे। एक बार मैं गाऊंगी फिर उसे जब मैं बजाऊं तब उसे आपको रिपीट करना है। सा रे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा नि सा रे सा नि सा नि ध नि ध प ध प म प म अब मैं बजा रही हूँ इसके साथ आपको गाना है। Thank you.
सिक्स्थ वाला अलंकार गाएंगे और बजाएंगे। सिक्स्थ वाले अलंकार में जो सा हमने एक बार लिया था उसे हमें दो बार रिपीट करना है, फिर जो रे हमने एक बार लिया था उसे भी दो बार रिपीट करना है, अर्थात इसका डबल हमको सिक्स्थ वाले अलंकार में लेना है। तो पहले मैं गाऊंगी और फिर जब बजाऊंगी तब आप उसके साथ गाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सा सा रे रे सा सा रे रे ग ग रे रे ग ग म म ग ग म म प प म म प प ध ध प प ध ध नि नि ध ध नि नि सा सा नि नि सा सा रे रे सा 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 रे रे सा सा नि नि सा सा नि नि सब अलंकारों को आप बार बार सुनकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इन्हें गाना और बजाना सीख जाएंगे। फिर हम बहुत से सॉन्ग भी बजा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।